क्या आपके अंदर हिम्मत है कि आरएसएस प्रमुख भागवत जी के भी सिर, जीभ, हाथ, नाक काटने की हिम्मत कर सकेंगे? रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी की आज अब उनकी बेटी संगमित्रा मौर्य तक भी पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा कृत प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विवादित टिप्पणी पर पिता का समर्थन करने वाली संगमित्रा को साफ कह दिया है कि अब उन्हें तय करना होगा कि भविष्य में वो किसके साथ खड़ी होगी। एक निजी चैनल से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि संगमित्रा बीजेपी के सांसद हैं और 2019 में जनता ने उन्हें सांसद चुना है, हमारी पार्टी का हिस्सा है, लेकिन अब आगे उन्हें तय करना होगा कि आगे उनकी लाइन क्या होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी विवादित टिप्पणी के कारण चौतरफा गिरे थे तो उनकी बेटी और भाजपा सांसद संगमित्रा ने अपने पिता का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि पिता को पूरे ग्रंथ से नहीं बल्कि कुछ चौपाइयों पर एतराज है क्योंकि उन्होंने इसका अध्ययन किया है। उन्होंने कहा था कि पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर विचार किया जाना चाहिए, ना कि विवाद खड़ा करना चाहिए। संगमित्रा ने अपने बयान से कहा था कि यदि किसी को लाइन पर संदेह है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, ये विषय विवाद या मीडिया में बैठकर बहस का नहीं बल्कि इस पर विद्वानों को विचार करना चाहिए ताकि ये साफ हो सके कि चौपाई का वास्तविक अर्थ क्या है। हालांकि बाद में वो इस विवाद पर किनारा करती नजर आई। आपकी जानकारी के बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पर आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे प्रतिबंधित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि जो भी विवादित अंश है इस ग्रंथ में संकलित है उन्हें निकाला जाना चाहिए। तुलसीदास रचित रामचरितमानस की एक चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का जिक्र करते हुए स्वयं प्रसाद मौर्य ने कहा था कि इस तरह की पुस्तक को जब्त किया जाना चाहिए। महिलाएं सभी वर्ग की हैं, क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं?